जितेंद्र कल्याण एमसी बटाला ने बटाला क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसने उन्होंने एक पत्रकार पर गंभीर दोष लगाए और अजय मल्होत्रा पर भी दोष लगाए। सुनिए उनकी जुबानी। जितेंद्र कल्याण एमसी और साबका प्रधान नगर कौंसल, 44 साल सर मेरी एज आ, 3 इलेक्शन मैं लड़े ने और 2 इलेक्शन मैं बड़े वधिया जीते ने बीजेपी के निशान के उत्ते। आजाद शर्मा अपने आप को पत्रकार कहाउंदा आ सर, वो क्रिमिनल बंदियां दे नाल मिलके जिन्हां दे परिवार दे उत्ते 2006 तो लैके अज दी तरीक तक सर चोरी दे परचे, नशे दे परचे अते लुटाखूआं दे ते होर भी जाने की सिगनेचिंग दे परचे जाने की इन्हां दे उत्ते हैगे ने। इहदे विचों अजय कुमार जिहड़ा कि बहुत ही वड्डा क्रिमिनल आ, नशा बेचता वा अते छोटे छोटे 10-12 साल के बच्चों दबका मार के इलाके दे विच नशा विकाउंदा आ, ते नाल आजाद शर्मा जी भी इहो काम करदे ने। ते उहदे च इह आ सर भी अजय मल्होत्रा दे उत्ते 146 नंबर मुकदमा होया, जिहड़ा कि 146 नंबर FIR 7/11/2014 नूं होई, जिहदी धारा 399, 402, 411, 414, 499 ए, 499 बी, 499 सी, 120 बी, IPC 18/21/22/61/85 NDPS एक्ट 25/27/54 असला एक्ट 3/34/20 IP एक्ट की धारा के तहत यह जरा घुमान थाने के सर FIR हुई। तो आजाद शर्मा ने ये को एक मेरे खिलाफ़ बाइट कटाई, जिदे जाने कि इन्हें मैनू आजाद शर्मे ने अजय दे को जाने कि कहाया कि भी मैं एक क्रिमिनल तो गुंडा आदमी हाँ, तो सर मैं तीसरी बार कौंसलर बन के लोगों की सेवा करता आ रहा वा, साबका प्रधान नगर कौंसल भी रहा वा, तो एक SC कम्यूनिटी मैं बिलोंग करता वा, लोगों की जाने कि मैं दिलों सेवा करता होया इस एज के जाने कि मैं कौंसलर बनता आ रहा वा। मेरी एक शहर के चंगे लोगों के जिदा कि MLA हो गया जां चेयरमैन हो गया, उन्होंने गिनती के मेरी एक बड़ी वधिया छवि है शहर के, और मैं लोगों के माड़े लोगों के मदद ही करता आ रहा हूँ तक। मेरा कारोबार बहुत ही वधिया है सर, और मेरा कारोबार इस करके वधिया क्योंकि मैं लोगों के चंगे काम करता हाँ, जे मैं माड़े काम करता हों तो मैं इतों तक पहुँचना नहीं सी सर। मेरी छवि को खराब करन की नीयत नाल आजाद शर्मा ते अजय मल्होत्रा ये दोनों ही मेरी वीडियो जी बना के वायरल करते पे ने, और अखबारों के भी झगड़ा किसी का होंगे आ तो चिकड़ मेरे तो सुट देंगे सर। फॉर द एग्जाम्पल झगड़े का पता भी नहीं, फोन के उत्ते मैनू मीडिया थ्रू पता लगा कि भी ताड़े इलाके एदा झगड़ा आया, तो कई बार आजाद शर्मा ने जाने कि मेरा नाम झूठा ही कहना के पत्रकार नू कह के अखबार के पाया, तो मैं ये तो बहुत डरदा वा क्योंकि फॉर द एग्जाम्पल साढ़े इलाके अमरीक सिंह मीका कोई 70+ साल की उम्र का लीडर से हैगा, चंगी छवि से उसकी सर, तो उत्ते बिना वजह नजायज़ एक जाने कि औरत को झूठा परचा करा के तो वह बेचारा इस सदमे के नाल ही एक्सपायर हो गया। तो मैं आप प्रशासन अगे तो मीडिया अगे बेनती करता वा कि मैनू आजाद शर्मे तो अजय मल्होत्रे तो जरा क्रिमिनल बंदा आ ये को बचाया जाए, तो मेरी वो तो मदद की जाए, और इन्होंने उत्ते जो बनती SC एक्ट की धारा वा तो प्लस नाल वीडियो वायरल कर धारा वा वो ये उत्ते लगाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक कहना चाहते सर जी? मैं कहना चाहना जी आजाद एक कंप्लेट देना चाहना, जिन्हें मेरे को लिया जी 10,000 रुपया जोड़ा थोड़े SHO के नाँ से दिता, तो 10,000 रुपए इन्हें आप खाता, तो मैं कहता कि यदा नाम है तेरा जो केस है उन्होंने पता सा करा देना, मैं SHO ना गल कर लेना, तो तेन मैं इस केस को बाहर कढ़ा देना। ये हाल है कि वो मैं केस शामिल नहीं है, उन्होंने मैं मतलब कि इतना केस अपने मैं पढ़िया ही उन्होंने, तो मुझसे पड़ताल करके उन्होंने भाई उन्होंने मैं लैता, तो इन्हें मेरे को मेरा उसे सैलफोन रह गया, सैलफोन मैं लैन गया उसे बेटा दाई मिली, तो इन्हें मैं साइड से बुला के नहीं गल गई किधर आया, मैं क्या मैं जैसा मेरा होया तो मैं सो गया, कहना कोई गल नहीं मैं तेरा मसला हल करा देता, तो इन्हें मेरे को 20,000 रुपया मंगया, तो मैं अगर बेनती करके तो मैं तेन कहा कि मैं माड़ा बंदा मैं तेन 20,000 रुपया नहीं दे सकता,
तो फिर भी मैं अपने गए रिश्तेदार को फट के उन्होंने मैं 10,000 दिता। इन्हें 10,000 रुपये मेरे को लै गए तो मैं कहता कि किसी ने गल नहीं करनी, किसी को दसना नहीं है, चाहे रुपये देते कोई होर धारा चलावे, चाहे कोई होर मुकदमा लावे। आप गल कढ़ाइया ने जितेंद्र कल्याण गुंडा पंजाबी कर दिया है, देखो जी मैं आजाद शर्मा एक दैनिक पेपर के इतने बटाले तो पत्रकार नाल एक एसोसीएशन का प्रधान इतने पत्रकार एसोसीएशन का मैं जी बीजेपी के पार्षद जिहड़े जतेंद्र कल्याण जी ने जिन्होंने मेरे ते आरोप लगाए वो सारे ही बेबुनियाद झूठे आरोप ने। मैनू नहीं पता कि उन्होंने की मंशा है कि मैनू बदनाम कर रहे हैं। जेकर गल करिए जतेंद्र कल्याण जी जिस परिवार के उत्ते आरोप लगा रहे हैं बीते दिन अज तो 10 तो 15 दिन पहले एक क्योंकि मैं भी इसे वार्ड के रह रहा जतेंद्र कल्याण उन्होंने किसी गल लैके मन मुटाप हो गया उस दौरान भी मेरे किसी सचनामे दौरान मैंने फोन आया कि आ झगड़ा है तो तुम इन बैठ के कर दो। एक मोहतबर व्यक्ति के नाते मैंने जो किसी ने अप्रोच की है तो मैं बच्चे आया, बाकी मेरा किसी ना मेरा कोई लैन देन नहीं है। मेरे ऑफिस के भी कल मेरे कोई सीनियर पत्रकार से उन्होंने को भी दूसरी पार्टी आई है। जेकर इदा पत्रकार के उत्ते आरोप लगन की उन्हें वीडियो बनाई है वायरल की है, एक ग्रुप से जिदे मेरे ख्याल जो मैं वीडियो बना रहा उस वक्त होर भी लोगों ने वीडियो बनाई, अच्क तो सोशल मीडिया के उत्ते लोग मेरे तो पहले वीडियो बनाते हैं खबर पत्रकार के नाल। दूसरी गल जी लड़के साहब की गल है मैनू तो मेरा कोई तालमेल नहीं है, जेकर मेरा निकलता है जी भी मेरे से कार्रवाई बनती है वो पुलिस प्रशासन करे, उन्होंने पूरे अधिकार है। मैं एक बेनती करनी चाहता पुलिस प्रशासन को यह जतेंद्र कल्याण वर्ग जे लोगों इदा जान बुझ के बदनाम कर साजिश रच रहे हैं, इन्हों का पर्दाफाश जोड़ा वो कर। मैं सारे शहर वासियों सारे समाजिक संगठनों चाहना कि यहोजे लोगों के जोड़े गलत काम करते हैं मैंने तो कोई इतराज़ नहीं, जेकर उन्होंने मेरे बारे कहा मैं जो गलत हाँ तो मेरे तो जी कार्रवाई बनती है। मैंने बदनाम करने वाले मैं कोर्ट के जोड़ा वा अपना मैसेज जी कार्रवाई बनती कर। इंडिया क्राइम न्यूज, जुल्म के खिलाफ जंग, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज, देश का अपना हिंदी न्यूज चैनल।